विधानसभा चुनाव नजदीक आने के साथ ही बीजेपी और कांग्रेस के बीच जुबानी जंग भी तेज होने लगी है। मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस के नेता हरीश रावत ने सत्ता में आने पर 200 यूनिट बिजली फ्री देने का वादा किया, जिस पर कांग्रेस के ही बड़े नेता एकमत नहीं। वहीं बीजेपी सरकार में कैबिनेट मंत्री मदन कौशिक का कहना है कि कांग्रेस में लीडरशिप को लेकर लड़ाई चल रही है कि कौन बड़ा नेता है। जब सत्ता में होते हैं तो ये कुछ करते नहीं और सत्ता से बाहर होने पर इन्हें प्रदेश का विकास नजर आने लगता है। तो विधानसभा चुनाव नजदीक हैं और ऐसे में खटपट जो कांग्रेस में अब दिखने लगी है और इसी को लेकर वार पलटवार का दौर बीजेपी और कांग्रेस के बीच आए दिन देखने को मिलता है। जुबानी जंग दरअसल दोनों ही पार्टियों के बीच में तेज, जहां मदन कौशिक ने एक हमला यहां पर साधा है कांग्रेस पर और कांग्रेस की लीडरशिप को लेकर कहा कि लीडरशिप ऐसी यहां पर है कि हर कोई नेता अपने आप को बड़ा समझता है। और लीडरशिप को लेकर ही उत्तराखंड में कांग्रेस में जो तमाम नेता हैं उनके बीच में लड़ाई चलती रहती है। तो ये वार पलटवार का दौर शुरू हो चुका है। दरअसल 2022 में चुनाव है उत्तराखंड में और उससे पहले ही अभी से तमाम पार्टियां अपनी अपनी कहीं ना कहीं चुनावी जमीन को बनाने लगी हैं और ऐसे में एक एक ऐसा मुद्दा जिसको लेकर हर एक पार्टी एक दूसरे को घेरने लगती है। तो सत्ता से बाहर जाने के बाद ही इन्हें यहाँ पर अपनी अपनी लीडरशिप का ख्याल आता है। तो फिलहाल कांग्रेस में अगर देखा जाए तो वो प्रदेश के बारे में नहीं, प्रदेश के विकास के बारे में नहीं, बल्कि प्रदेश में अपनी लीडरशिप, अपने बड़प्पन को लेकर देखती है। और नवीन पांडे हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं। तो नवीन, ये तो होना ही था और ये काफी वक्त पहले से भी कांग्रेस में लगातार देखा जाता रहा है। अब मदन कौशिक ने इसी को लेकर हमलावर कर दिया है, ये निशाना किसकी तरफ, कौन से वो नेता जो लीडरशिप को लेकर अक्सर देखा जाता है कि प्रदेश में लड़ाई झगड़ा करते हैं और अपने आप को बड़ा बताते हैं? जी बिल्कुल ठीक कहा आपने। एक्चुअली कांग्रेस की हम बात करें तो कांग्रेस में जो सबसे मुखर रहते हैं, जो सामान्य तौर पर देखा जाता है, वो निश्चित तौर पर पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत हैं। हरीश रावत कहीं ना कहीं उत्तराखंड की राजनीति में बने रहना चाहते हैं और अपने अपनी मजबूती या अपनी चीजों को किसी तरीके से प्रेजेंट करना चाहते हैं कि हाँ मैं यहाँ पे मौजूद हूँ। इसी को लेकर असहज स्थिति पिछले कुछ समय से कांग्रेस के बीच ही पैदा हो गई है। जैसे प्रीतम सिंह जो प्रदेश अध्यक्ष हैं कांग्रेस के, उनका कहना है कि हमारे लिए दरवाजे खुले हुए हैं, किसी के लिए कोई बैर नहीं है। दूसरी तरफ पूर्व मंत्री और राष्ट्रीय महासचिव हरीश रावत कहते हैं कि दूसरों को लाने से क्या, पहले वो अपने बारे में तो बताएं, थोड़ा झलक तो दिखलाएं। मतलब वो चुटकीले अंदाज में और एक तरह से तंज भी कसते हैं। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस में बीजेपी कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष और हरीश रावत जो पूर्व मुख्यमंत्री, उनके बीच कहीं ना कहीं बीच में दूरियां भी बढ़ रही हैं, जो कांग्रेस के लिए आने वाले समय और सीधे तौर पर कांग्रेस कहीं ना कहीं इसको लेकर जो मुद्दा है वो बीजेपी को लगे हाथ दे भी रही है। धन्यवाद आपका नवीन, हमारे साथ जुड़ने के लिए।